इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से, जहां बैंक से 23 लाख रुपए लोन लेकर एक स्कूल बनाया गया था। कोरोना काल में स्कूल पूरी तरह से बंद रहने की वजह से स्कूल की आर्थिक संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं जिस बैंक से लोन लेकर यह स्कूल बनाया गया था, अब वह स्कूल को नीलाम करने पर आमादा है। इस बात से आहत होकर स्कूल प्रबंध समिति के 3 लोगों ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी किडनी बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि उसे बेचकर बैंक और बिजली विभाग का भुगतान कर सकें। मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के संचालक सहित 3 लोगों ने अपनी किडनी बेचने के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्कूल प्रबंध समिति को द्वारा लिखा गया है कि मार्च 2018 में उनके द्वारा ऊपर कोट कोतवाली इलाके में बने आर्यव्रत बैंक से 23 लाख रुपए प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक का स्कूल निर्माण करने के लिए लोन लिया गया था। साथ ही बच्चों के आवागमन के लिए HDFC बैंक से एक बस भी फाइनेंस कराई गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक स्कूल संचालक के पिता डूंगर सिंह को दिल का दौरा पड़ा। उनके इलाज में काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन वो बचे नहीं। उसके बाद कभी NRC और CA प्रोटेस्ट के चलते सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद करा दिया गया, तो आगे चलकर कोरोना की वजह से पूरी तरह से स्कूल बंद करा दिए गए, जिस वजह से आर्थिक ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस वजह से बैंक की किस्तें भी प्रभावित हो गई। अब बैंक के लोग अपना लोन का बकाया पैसा लेने के लिए स्कूल को नीलाम करना चाहते हैं। पीड़ित बताते हैं कि आर्यव्रत बैंक के रीजनल मैनेजर KU खान से उन्होंने जब मुलाकात किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि कुछ भी करो, बैंक को तो बस अपने पैसे चाहिए, जिसके लिए बैंक स्कूल को नीलाम करेगा और वो रुकेगा नहीं। हाथ होकर पीड़ितों ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से बैंक के लिए लोन का कर्ज और बिजली के बकाया भुगतान के लिए अपनी किडनी बेचने की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर नरेश है, मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का संचालक हूँ। मैंने मार्च 18 में ऊपरकोट ग्रामीण बैंक से 23 लाख रुपये का लोन लिया था स्कूल बनाने के लिए। स्कूल बन गया, स्कूल चल रहा था। जून 2019 तक लोन की किस्त सुचारू रूप से चली, सब कुछ सही रहा। जुलाई और अगस्त में मेरे पापा को हार्ट दिल का दौरा पड़ गया, उसके चलते व्यवस्था कुछ गड़बड़ाई न। फिर दोबारा मैंने नवंबर में बैंक के लिए पैसा जमा किया। बैंक में पैसा जमा करने के बाद दिसंबर जनवरी NRC CA का प्रोटेस्ट हो गया, और प्रोटेस्ट के बाद फरवरी में फिर मुझे मौका लगा, तो फिर मैंने बैंक को पैसा जमा किया। उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में होली रही, सेकंड वीक से कोरोना की एडवाइजरी के चलते विद्यालय बंद हो गए, 23 मार्च से 100% लॉकडाउन हो गए। उसके चलते जब से स्कूल बंद चले आ रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में जब स्कूल बंद है, चूँकि आमदनी का जरिया हमारा स्कूल है, स्कूल से ही पैसा हमारा सारा जाता था, अब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक ने अपना नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बैंक नीलामी के लिए नोटिस चिपका गए कि हम स्कूल को नीलाम करेंगे। मैं वहाँ के अधिकारियों से भी मिला, बैंक के अधिकारियों से, KU खान है जो RM साहब है, उनसे भी मिला। मैंने उनसे कहा मैं सर स्कूल नहीं खोलेंगे तब तक पैसा दे पाना, कि बैंक को बैंक का पैसा चाहिए, आप कुछ भी करें। तो ऐसी उसको मिलने के बावजूद भी उन्होंने चिपका दिया नोटिस आकर के। अब हम क्या करें, कैसे करें, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझा, तो हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमें अपनी किडनी को, हम, हमारे प्रधानाचार्य और हमारी वाइफ, तीनों लोग मिलकर एक किडनी बेचना चाहते हैं, जिससे बैंक को बैंक का पैसा मिल जाएगा, ज़रूरतमंद को ज़िंदगी मिल जाएगी और हमें जिल्लत भरी ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी। मैंने 23 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए जमा कर दिया है, आज भी स्टैंडिंग 22,60,000 रुपए की बनी हुई है मेरे पास, इंटरेस्ट प्लस जो एक्सपेंस है। कल लिखा है हमने पत्र, जो लिखा है हमने 1 अप्रैल को लिखा है मुख्यमंत्री जी के लिए, और उसका अब तक मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, जो कि मैं कोई भी जवाब दे सकूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करता हूं, या तो स्कूल की एक टाइमिंग निर्धारित करके हमको बता दें, या फिर हमें परमिशन दे दें, जाके हम बैंक से बैंक को पैसा दे सकें और उस बेईमानी भरी नज़र से देखने वाले लोगों की नज़र में अपनी छवि को अच्छा कर सकें।
सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।